श्री कृष्णा, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 25, 26, 28, 29 पर चर्चा करेंगे। लभन्ते ब्रह्मा निर्वाण मश्यशीन कल्मषा क्षीम दवेदा यतात्मना सर्वभूतिते रता। जो लोग पापों से मुक्त हो गए हैं, जिनके संदेहों का अंत हो गया है, जो आत्म संयमी है और जो प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वे ब्रह्मा निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति निस्वार्थ स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वह ब्रह्मा में विलीन हो जाता है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है, जब व्यक्ति पाप मोह द्वेष से मुक्त होकर सभी प्राणियों के हित में कार्य करता है और मन को नियंत्रित कर लेता है, तब वह परम शांति को प्राप्त करता है। काम क्रोध वित्तुमानाम यति नाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्मा निर्वाणम वर्तते विदिता आत्मनाम। जो लोग काम और क्रोध से मुक्त हो गए हैं, जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है और जिन्होंने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके लिए ब्रह्मा निर्वाण होता है, चाहे वह इस संसार में हो या मृत्यु के बाद। अर्थात जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है और इच्छाओं और क्रोध से मुक्त हो जाता है, तब उसे संसार में रहते हुए भी आत्मिक शांति और मोक्ष का अनुभव होता है। स्पर्शन कृत्वा बाहिर ब्रह्मास्त चक्षुष चेवांतरे ब्रूह प्राणापानौ समौ कृत्वा नाश भयत्रा चरिणौ। बाहरी विषयों को बाहर ही रखते हुए और नेत्रों को दोनों मोहों के बीच में स्थिर करके, यानी ध्यान मगन होकर प्राण और अपान यानी श्वास और निश्वास को नासिका के भीतर समान कर ध्यान करने वाला योगी स्थिर रहता है। अर्थात ध्यान करने वाला योगी बाहरी वस्तुओं और विषयों से अपने मन को हटाकर अपनी दृष्टि को अपने दोनों भोहों के बीच में केंद्रित करता है और यह ध्यान की एक महत्वपूर्ण अवस्था है, जहाँ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके आंतरिक रूप में स्थिर हो जाता है। यतेन्द्रिया मनोबुद्धि मुनिर मोक्ष प्राणिया विगते इच्छा वै क्रोधो यह सदा मुक्त एव सा। जिसने अपनी इंद्रियों मन और बुद्धि को वश में कर लिया है, ऐसा मुनि मोक्ष की प्राप्ति के लिए संलग्न रहता है। वह सभी इच्छाओं और भय से मुक्त होकर पूर्ण शांति प्राप्त कर लेता है। अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों मन पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया, वह मुनि मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करता है। ऐसे व्यक्ति को किसी का डर नहीं रहता और न उसे कोई इच्छा बांधती है, क्योंकि उसने आत्मा को सत्य को जान लिया है। भोक्तारम यत् साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति मृच्छति। जो व्यक्ति मुझे सभी यज्ञों और तपों का परम भोक्ता, सभी लोगों का स्वामी और सभी जीवों का सच्चा मित्र समझता है, वह शरण में आकर सच्ची शांति प्राप्त करता था। जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि भगवान कृष्ण ही सभी यज्ञों और तपों के भोक्ता हैं, सभी लोगों के स्वामी हैं और सभी जीवों के सच्चे मित्र हैं, इस सत्य को जानकर भगवान में अपने मन को स्थिर करके व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त करता है। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।